8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फोगसी की गोरखपुर शाखा गोरखपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा स्तन कैंसर व बच्चेदानी के मुख का कैंसर, जो महिलाओं में सर्वाधिक पाया जाने वाला कैंसर है, उसके जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन महानगर विभिन्न क्लिनिक पर लगाया जाएगा। जिसके संबंध में डॉक्टर साधना गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता ने बताया कि यदि प्रारंभिक अवस्था में इसका पता लग जाए तब इसका समुचित इलाज संभव है। समाज की सुरक्षा के लिए सभी आमजन के 35 से 60 वर्ष तक की महिलाओं का इस घातक बीमारी के जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 8 मार्च को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक भारतीय स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ की गोरखपुर की शाखा के सदस्यों के द्वारा उनकी क्लिनिक पर किया जाएगा, जिसमें निःशुल्क जाँच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था की डॉक्टर साधना गुप्ता और डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता ने कहा, तो बहुत ज्यादा निहायत जरूरी है कि उसको होने ही नहीं दिया जाए, या अगर उसके थोड़े से भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसके उपचार उपलब्ध है। उसको CNT या थर्मोकोएगुलेशन कर सकते हैं, क्रायो कर सकते हैं। तो लोग जब सही समय पे आएंगे और लोगों को ये पता होगा कि शादीशुदा जिंदगी के संग ये भी जरूरी चीज है, जैसे हमको हर 3 या 5 साल में नीचे का जांच कराना है कि हमारी बच्चेदानी में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मैं डॉक्टर साधना गुप्ता, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या को लेके आपसे मुखातिब हुई है। हमारे देश में सर्विस यानी बच्चेदानी की मुंह का कैंसर और स्तन का कैंसर बहुत ज़्यादा बहुतायत में पाया जाता है और इसकी वजह कई होती है। आपसे इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सर्वाइकल कैंसर को हम समय रहते पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत में और इसके पूरी तरह से होने में करीब 10 से 15 साल का अंतर होता है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारी फेडरेशन ऑफ स्टाइनी सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों की संस्था ने ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने देश से सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर को 2030 तक खत्म करें। और इसके लिए एक जो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, पहली चीज़ छोटे बच्चों का 9 से 14 साल की उम्र में HPV वैक्सीन का टीकाकरण, दूसरी चीज़ शादीशुदा जिंदगी शुरू होते ही हर 3 से 5 साल पर नीचे के पानी का जांच, जिसको कि पैप स्मियर कहते हैं, और तीसरी चीज़ अगर हमको उसमें कोई भी असामान्यता मिलती है तो उसको सामान्य उपचारों से उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर हम ये चीज़ 90% लड़कियों को वैक्सीनेट कर सकें, अगर हम 70% महिलाओं को पानी का जांच और उसी समय पे ट्रीटमेंट कर सकें और उसमें से 70% लोगों को 90% लोगों को ट्रीट कर सकें, तो हम ये सपना देख सकते हैं कि 2030 तक हमारा देश बच्चेदानी की मुंह की बीमारी से पूरी तरह से मुक्त होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप में चेतना रहे इस चीज़ की कि शादीशुदा जिंदगी जब आपकी शुरू होती है उसके साथ आपको कुछ इन्फेक्शन होने का स्वाभाविक रूप से पॉसिबिलिटी संभावना रहती है, जो कि धीरे धीरे कुछ महिलाओं में 9 से 10% महिलाओं में कभी कभी कैंसर या कैंसर की शुरुआत कर सकती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि 8 मार्च को हम ये पूरे देश के स्तर पे जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप इस संदेश को अपने परिवारों अपने मित्रों को पहुँचाएँ, अपनी छोटी किशोर लड़कियों का टीकाकरण के बारे में जानकारी उपलब्ध करें अपने चिकित्सक से और उसका टीकाकरण करवाएँ, और सबको प्रेरणा दें कि हमारी प्रत्येक महिला 3 से 5 साल पर ये पानी का जांच अपने निकट के स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ के थ्रू कराएँ। कहाँ पे लगेगा ये आपका? हमारे गोरखपुर में ये फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में ये व्यापी अपनी जो संस्थाएं हैं, सिटी चैप्टर्स हैं, उनके थ्रू ये कार्यक्रम चलाया है। हमारे शहर गोरखपुर जनपद में हमारे गोरखपुर प्रसूति रोग स्त्री रोग विशेषज्ञ की संख्या लगभग 200 के करीब है, जो इस फॉक्सी के सदस्य हैं गोरखपुर ऑब्स्टेट्रिक्स सोसाइटी से। उसमें करीब 10 से 15 या 15 से 20 ऑब्स्टेट्रिक्स प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ 8 मार्च को अपनी ये सेवाएं मुफ्त देंगे। आप इस मुफ्त सेवा का
अपने रिश्तेदारों को लेकर आइए, अपना पानी का जांच कराइए, उससे डरिए मत, उसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, और उसमें कोई भी फॉलो करिए, और अगर कोई असमानता है तो अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए आप उसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, सचिव गोरखपुर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक मुहिम उठाई है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और स्तन के कैंसर की रोकथाम के लिए, जो ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस जो है दिन पर दिन बढ़ रही है। अब इस समय सबसे ज़्यादा महिलाओं में जाने वाला कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। पहले ये ज़्यादा उम्र की महिलाओं में होता था, लेकिन इधर नए दौर में देखा गया है कि ये कैंसर काफ़ी कम उम्र की महिलाओं में भी पाया गया है, और इसको यदि जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए तो इसको रोका जा सकता है। कैंसर के बारे में मैडम ने जो बताया,